नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ए आई पी जी टी एम डी यूपीएससी एमओ में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रही है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन से। 380 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है फॉर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी डेट पर, 14/12/21 पर ये नोटिफिकेशन आई हुई है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन कटक से। नोटिफिकेशन में 380 कैंडिडेट्स की लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड की गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसे। तो इसमें आप लोग अपना रोल नंबर मिला सकते हैं यदि आप लोगों ने एग्जाम को दिया था। तो इसमें आपके अगर चयन हुए हैं इसके बाद आपका सिलेक्शन जो है प्रोविजनल अभी हुआ है, आपका चयन अभी प्रोविजनली हुआ है। इसमें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑल कंसर्न दैट 380 कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं प्रोविजनली सिलेक्टेड है। और वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, इनकी अभी वेरिफिकेशन होने वाली है। तो जल्द से जल्द ओपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप अपने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड कर दें, उसमें कुछ भी कमी हो उसको पूरा कर दें, अन्यथा इसमें जॉब मिलनी मुश्किल हो जाएगी फिर। तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने सबमिट कर दीजिए जल्द से जल्द। और कैसा रहा रिजल्ट हमारे इंस्टीट्यूट से, तो इसमें हम बता दें कि यूपीएससी बैच में 3 स्टूडेंट्स वेयर फ्रॉम उड़ीसा, 3 स्टूडेंट उड़ीसा से थे, उनमें से तीनों का चयन जो है यहाँ पर हो चुका है दोस्तों। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हमने उड़ीसा पीएससी में 100% रिजल्ट दिए। ओपीएससी के मेडिकल ऑफिसर में हमने यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में 100% रिजल्ट यहाँ पर देने का यहाँ पर किया है। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों, फॉर लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू ऑल द आयुष आयुष एग्जामिनेशन, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन और AIAPGT एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच दोस्तों।